अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ट्रिक है वो बहुत अहम ट्रिक है, मतलब आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से फेसबुक अकाउंट विदाउट सेल्फ प्रॉब्लम बना सकते हैं, मतलब आपकी जो आईडी है वो सेल्फ प्रॉब्लम पर नहीं जाएगी, 100% सेफ़ होगी आपकी आईडी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ट्रिक को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा जीमेल एप्लीकेशन में, आपके मोबाइल में ये प्रेजेंट होगा ये जीमेल एप्लीकेशन। तो आप लोगों को यहाँ से एक जीमेल अकाउंट ओपन करना होगा, जो मतलब न्यू अकाउंट आप लोगों ने बनाना होगा। ये न्यू अकाउंट मैंने बनाया है अभी अभी, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये अकाउंट मैंने अभी भी बनाया है। तो मैं अब इस अकाउंट पर आप लोगों को सेल्फ क्लियर अकाउंट दिखाऊँगा। इस फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना होगा कि आप लोगों ने जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप लोगों की जो आईडी है वो सेल्फ पर जाएगी। मैं जो आप लोगों को स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसे फॉलो करें, आप लोगों की जो आईडी है इंशाल्लाह वो सेल्फ पर नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जीमेल अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को फिर जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ से जो फेसबुक लाइट है आप लोगों ने वो मस्त डाउनलोड करना होगा, ज़रूरी डाउनलोड करना होगा, क्योंकि आप लोगों ने इस फेसबुक लाइट से आईडी को क्रिएट करना होगा। तो फेसबुक लाइट का जो डेटा है आप लोगों ने वो क्लियर करना होगा। यहाँ से फेसबुक लाइट का डेटा क्लियर होता है, आप लोगों ने इस पर भी क्लिक करना होगा। आप लोगों ने इस तरह सेम मेथड अप्लाई करना होगा और इंशाल्लाह आप लोगों की आईडी जो है वो 100% सेफ रहेगी, आप लोगों की आईडी सेल्फ पर नहीं जाएगी। तो आप लोगों ने फिर से फेसबुक लाइट को ओपन करना होगा और यहाँ से आप लोगों को क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों को जो आईडी बनाना हो वो आईडी का नाम आप लोगों ने यहाँ डालना होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों एक और बात बता दूं कि आप लोगों को यहाँ अगर आप लोग स्टाइलिश नेम आईडी बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ डायरेक्ट स्टाइलिश नेम नहीं रखना होगा, आप लोग पहले सिंपल नेम रखिएगा, क्योंकि स्टाइलिश नेम वाले फिर फेसबुक वाले एक्सेप्ट नहीं करते, फिर मसला बन जाता है, तो वो फिर से सेल्फ पर जाता है। तो आप लोगों ने पहले यहाँ कोई और नाम रखना होगा सिंपल वर्ड में। तो इसके बाद आप लोगों को रिव्यू चेंज पर दोबारा क्लिक करना होगा, जब आईडी बन जाए तो आप लोगों को स्टाइलिश नेम में आईडी रखना होगा। तो पहले आप लोगों को सिंपल वर्ड में आईडी बनाना होगा। तो हमें आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं एक नाम देता हूँ यहाँ पर। तो ये फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ ये नाम दे दिया। तो अब मैं यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को फ्रेंड्स मोबाइल नंबर ऐड नहीं करना होगा, आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा, साइन अप विद ईमेल एड्रेस पर। तो साइन अप ईमेल एड्रेस पर क्लिक करने में आप लोगों को वो ईमेल डालना होगा जो आप लोगों ने जीमेल पर बनाया हो, तो मैं वो डालता हूँ। जी तो फ्रेंड, मैंने ये ईमेल डाल दिया है जीमेल वाला, तो मैं यहाँ फिर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को ये डेट ऑफ बर्थ ज़रूर चेंज करना होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज लाना होगा, डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करना होगा। मतलब आप लोगों को यहाँ ये जो ईयर है आप लोगों को ये थोड़ा सा बदलना होगा, और मंथ जो है ऐसे अगर आप लोग बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग अगर ना करें तो फिर भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना होगा इस डेट ऑफ बर्थ में। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं अब पासवर्ड डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है। तो अब मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि आप जो ये जो आपका नेम है ये सही नहीं है, आप इसे चेंज करें। तो मैं इस नेम को चेंज करता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने ये नेम चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ से मैं कंफर्मेशन कोड को डाल देता हूँ। तो फ्रेंड जी, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट कन्फर्म हो चुका है। तो फ्रेंड जी, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं मेरा अकाउंट बन चुका है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सेल्फ क्लियर अकाउंट है, आप लोग ऐसे उठा सकते हैं। मैं आप लोगों को पासवर्ड और जीमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग फ्रेंड इस तरह अकाउंट बना सकते हैं। तो इस तरह अकाउंट बनाने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो नीचे आप लोगों को डेटा नज़र आ रहा है, आप लोगों ने ये सारा फिल करना होगा। तो इसे फिल करने के बाद आप लोग 3 दिन बाद प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने फ्रेंड्स
जो मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए हैं, आप लोग ये स्टेप्स फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप लोगों की आईडी जो है वो 100% सेल्फ क्लियर बनेगी और कभी भी सेल्फ पर नहीं जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स के आज की वो ट्रिक पसंद आएगी आप लोगों को। अगर ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।